गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने सुना है कि सनस्क्रीन इन अ स्प्रे फॉर्म? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साइड में जो रेड कलर का बेल आइकन होता है आपको उसको भी हिट करना है, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे। एंड गाइज, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो आपको कर लेना इस वीडियो को बिग थम्स अप। सो गाइज, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जिस सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ वो है ये वाओ स्किन साइंस की वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। हमें मिल जाता है SPF 30। स्किन टाइप्स वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को ग्रीसी क्रीमी सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं है तो ये सनस्क्रीन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आप इस सनस्क्रीन को बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन है ये, मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। द बेस्ट थिंग इज दैट दिस इज नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो मिनरल्स, मतलब कि इस सनस्क्रीन में आपको कोई भी केमिकल नहीं मिलेगा। अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको बस इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रे करना है एंड यू गुड टू गो एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। तो अब हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग एंड इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये है वाओ स्किन साइंस का वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे एंड ये आता है SPF 30 के साथ। ऑल स्किन टाइप्स वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें है नेचुरल सन ब्लॉकर्स, जिसमें कि है रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। आपको इसे शेक करना है, शेक एंड स्प्रे फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये आपको UVA एंड UVB से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें है नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो बेंजोफिनॉन एंड नो ऑक्साइड कलर। क्वांटिटी मिल जाएगी 100 ml एंड आपको इसे शेक करना है अच्छे से। इसका जो प्राइस है वो है 399 rupees एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगी 1 year। हाउ टू यूज़, आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? शेक द बोटल रियली वेल टू गिव द कॉन्टेंट्स अ गुड ब्लेंडिंग। आपको इसे अच्छे से शेक करना है, होल्ड करना है एंड 20 cm थोड़ा सा आपको अपनी स्किन से दूर रखना है एंड स्प्रे ऑल ओवर ऑन ऑल एक्सपोज बॉडी पार्ट्स, फेस, शोल्डर्स, स्टमक, लेग, आर्म और बैक। आपका जो भी एक्सपोज बॉडी पार्ट है आप वहाँ पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। रिपीट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट, रिफ्रेश एंड प्रोटेक्ट स्किन। आपको जब भी रिक्वायर्ड हो तो आप इसको स्प्रे को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये है वाओ स्किन साइंस UV वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। SPF 30 के साथ आता है। इट गिव्स योर स्किन इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को UVA एंड UV रेस से। आपको इसे अच्छे से शेक करना है। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली है एंड नॉन स्टिकी है एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड आपकी स्किन को नरिश्ड करता है। नो स्ट्रीक्स, नो मैश, नो फस, जस्ट स्प्रे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डे। मतलब बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। एंड अब हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। रसबेरी एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि है रिच इन विटामिन सी विथ नेचुरल सन ब्लॉकर्स डेट प्रिवेंट एंड हील स्किन डैमेज कॉज्ड बाय सन। कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, रिच इन विटामिन ए एंड ई, एक्सीलेंट एट स्टॉपिंग एंड हीलिंग फोटो डैमेज एंड साइंस ऑफ एजिंग। एवोकाडो ऑयल, नेचुरल सनस्क्रीन विथ मोनोसैचुरेटेड फैट्स डेट प्रिवेंट सन टैनिंग। एंड लास्ट वन इज आलमंड ऑयल, रिच इन विटामिन ई, एक्ट्स एज नेचुरल सनस्क्रीन, रिवर्स स्किन डैमेज ड्यू टू सन एक्सपोजर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। ये है इसकी पैकेजिंग एंड आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। एंड ये है इसकी इनर पैकेजिंग। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई की हुई है। बेस्ट बात ये है कि समटाइम हम सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल जाते हैं एंड हम डायरेक्टली मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, बट इस वाली सनस्क्रीन को आप बिफोर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप मेकअप अप्लाई करने से पहले भी इस सनस्क्रीन को लगा सकते हैं एंड मेकअप करने के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए हम अपने घर से निकलते हैं एंड बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है या आप कह सकते हैं हम सन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स होता है, जो बहुत सारा बॉडी पार्ट्स हमारा एक्सपोज रहता है, हमारा नेक, हमारे हैंड्स, हमारे फीट, हमारा फेस, जो कि इजीली सन के जो होता है ना UVA UVB जो रेज होती है वो हमारे स्किन को हार्म कर देती है। बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना है गाइज, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करें बिना ही अगर आप बाहर निकलते हैं
तो आपके जो फेस है वो बर्न हो सकता है, आपको टैन हो सकता है, आपकी जो स्किन है वो रेड हो सकती है, मतलब आपकी स्किन में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे इसीलिए आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना है। एंड आपकी सनस्क्रीन में मिनिमम 30 SPF होना चाहिए, 30 SPF से नीचे वाली सनस्क्रीन आप बिल्कुल भी मत लगाइए, बिकॉज वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपकी सनस्क्रीन में एटलीस्ट 30 SPF होना चाहिए एंड मैक्स 50-60 जितना हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है एंड ऑल्सो आप इस सनस्क्रीन को एनी वेयर एंड एनी टाइम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप इसको अपनी नेक पे, अपनी शोल्डर पे, अपने फीट पे, अपनी बैक पे, अपने फेस पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि आपका जो बॉडी का पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर हैं एंड 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो आप इजीली आप इसको अपने बैग से निकालिए, इसके कैप को रिमूव करिए एंड देन आप इसको अपने फेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सी ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आप देख सकते हैं कि अभी मेरे फेस पे मेकअप है एंड मैंने फिर भी इसको अप्लाई किया है, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बेस्ट सनस्क्रीन है। एंड गाइज इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो जस्ट माइंड ब्लोइंग है, मतलब एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। मुझे तो ये वाली सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मतलब मैं 1-2 हफ्ते से इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि ये वाली सनस्क्रीन आपको एक बार ट्राई करनी है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जो कि बहुत ज़्यादा लेजी हैं, जिनको सनस्क्रीन अप्लाई करना पसंद नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इसको आपकी जो क्रीमी जो स्टिकी लगती है आपको सनस्क्रीन, तो आपको नॉर्मली इसको लेके अपने पूरे फेस पे बस फुस 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 करना है, मतलब स्प्रे करना है एंड यू गुड टू गो, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, आप इसको लगाएंगे ना, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस मतलब इतनी फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी स्मेल। ऑल्सो जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको विद इन काइंड ऑफ ग्लो भी प्रोवाइड करेगा एंड आपको सन प्रोटेक्शन से तो ये बचाएगा ही बचाएगा। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। इसका जो प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 399 रुपीज़ है एंड ये सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, मतलब बहुत सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अमेजोन में बहुत अच्छे ऑफर के साथ आपको मिल जाएगी। प्राइस आप इसको ऑनलाइन ईजिली ले सकते हैं, तो ये ईजिली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी एंड ये आपको अच्छे ऑफर के साथ मिल जाती है, तो आप अमेजोन पे ज़रूर चेक करिए। गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं उसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस दैट्स इट फॉर दी टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, के बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।